focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world class businesses. Big Tech. मैं गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए शायद पूरा नहीं बोल पाऊं, पर इच्छा थी कि हाँ मैं सबके साथ में ये शेयर कर पाऊं कि हमारी लाइफ की जर्नी क्या है और लाइफ की जर्नी में जैसे मुझे कहा वैल्यूएशन की बात की जाए तो हम लाइफ की जर्नी में वैल्यूएशन कैसे कर पाते हैं। आज सबका पर्पज ये रहता है अपनी जिंदगी का कि मेरी जिंदगी के सारे पल खुशनुमा कैसे रहे हैं, हैप्पी कैसे रहे हैं। और मैंने भी कोशिश की कि इसी फिलोसफी को आगे बढ़ाता जाए, इसी फिलोसफी को जिए। और इसके लिए हमेशा जब भी मैं सवेरे उठता हूं सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं प्रतिज्ञा करूं अपने आप से कि मैं खुश रहूंगा और औरों को खुश रखूंगा। एंड मैं कहता हूं बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। चाहते सब लोग हैं कि हम खुश रहें, लेकिन अगर हम अपने आप से पूछें हम अपने आप को कितनी बार ये कह पाते हैं, कितनी बार सोच पाते हैं कि हाँ मुझे खुश रहना है और वो खुश रहने के लिए मुझे क्या क्या करना है। हम सबके लिए जरूरी है कि हम ये जरूर समझ जाएं कि हम जो भी चाहेंगे वो हमें मिलेगा। एक जो हम एक स्लोगन यूज करते हैं वो है जो सोचे वो पावे, और ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से निकला हुआ है कि जो भी हम सोचेंगे वो हम पाएंगे। आप भी अपना अगर पास देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने सोचा मैंने पाया। पर वो जो भी सोचते हैं शायद पूरा पाते हैं क्या? शायद नहीं, शायद इसलिए नहीं पा पाते हैं कि उसमें हमारा पूरा कमिटमेंट नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही कहता है, जैसे हमारे यहाँ सिंगी साहब बैठे हैं जो हर तरह का लॉ समझते हैं, लॉ ऑफ मॉरलिटी समझते हैं, लॉ ऑफ जस्टिस समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही कहता है कि हम जो भी सोचे अच्छे मन से सोचे, अच्छे ख्यालों से सोचें और समाज में भी उसका एक अच्छापन हो उसका सोचें। तो हम जब जब इस सोच के साथ में अपना सोच बनाएंगे तो हम सब देखेंगे कि मैं जो मैं सोच रहा हूं आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा जरूर। मैं भी अगर अपने पुरानी यात्रा को देखूं तो मुझे लगता है कि शायद तरीका यही है कि हम अपने आप में एक अच्छे इंसान के हिसाब से कैसे सोचें और औरों के बारे में कैसे अच्छा सोचें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हैप्पी थॉट्स है तो हैप्पी वर्ल्ड है। अब उन हैप्पी थॉट्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए वही सबसे बड़ी बात है। और आज जो सिविल सर्विसेज में जो सक्सेस होकर हमारे साथ में बैठे हैं अगर हम उनसे बात करें तो हमें लगेगा या जैसा जयती ने बताया कि उस घोड़े से कई बार गिरे होंगे, लेकिन जब उन्होंने सोचा हुआ था कि घोड़ा अल्टीमेटली जहां उसको जीत के पहुंचना है वहां बहुत सही पहुंचना है, तो हर तरह से उन्होंने काम किया होगा, हर तरह से मेहनत की होगी, हर तरह की परेशानी का सामना किया होगा तो वो पहुंच ही जाए। तो हम अपने आप को जितना कमिट कर पाएंगे कि मैंने जो आज अगर सोचा है तो मैं इसको पाकर आऊंगा खुश हो जाए। इसलिए मैं कई बार ये भी कहता हूं नेवर से यस टू नो, नेवर से यस टू नो। उसका मतलब यह है कि अगर कोई नहीं कह भी रहा है तो उस नहीं को नहीं माने। अगर मैं अपने सोच में अपने कामकाज में पूरा सच्चा हूं तो आपको लगेगा कि वो नो भी यस में बदल जाएगा। पर होता क्या है कई बार कि हम एक या दो नो सुनने के बाद में अपने हथियार फेंक देते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। और जब जब ये रास्ता बदला तब तब हम फेल होंगे। और जैसे इन साथियों ने जिन्होंने कई कठिनाइयों के बाद भी, कई नो के बाद भी, कई फेलियर के बाद भी रास्ता नहीं बदला, या ये सामान्य मंच बैठा है, आप सब लोग बैठे हैं, आपने देखा होगा जब जब कुछ भी कठिनाई आई लेकिन अपना रास्ता नहीं छोड़ा तो डेफिनेटली आपको मिला होगा। तो अगर हम
जब जब भी ऐसी बात आती है हम कहें नेवर से यस टू नो, तो आपको लगेगा कि हाँ सक्सेस बढ़ती जा रही है, सक्सेस बढ़ती जा रही है। पर वो सक्सेस अल्टीमेटली जानी कहां चाहिए, वो सक्सेस जानी चाहिए खुशियों में, वो सक्सेस बदलनी चाहिए खुशियों में। इसलिए डू गुड बी गुड, और उसी से हमें जो आज हमारा समाज है, हमारा धर्म है, वो भी कहता है कि हम पूरे समाज को कैसे अच्छा बनाएं।